नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ। और जिस तरीके से नई करें तो शहर के कोने कोने में जो है लिकर शॉप्स खुलती हुई नजर आ रही हैं, जिसका विरोध प्रदर्शन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से शहर के लोग ही अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरियाज में लिकर शॉप्स जो हैं वो नहीं खुलनी चाहिए, और इसका विरोध जो है वो किया भी जा रहा है। वहीं तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई, जहाँ पर जो है अनलॉकिंग के प्रोसेस के बाद आज जम्मू में पहली बार लिकर शॉप्स खुली और वहां पर रश जो था वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। और जो पीने वाले थे वो लगातार ये कहते हुए नज़र आए कि ये अच्छा हुआ कि लिकर शॉप्स जो हैं वो खोल दी गई हैं। पर वहीं इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स पहले भी जो है इसका विरोध करते थे और एएचपी इसका विरोध कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, जिस तरीके से अगर बात करें रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर अब जो है लिकर शॉप्स खुलती जा रही हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पर? क्योंकि जहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना ही रह गया है, जम्मू कश्मीर जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी और कुछ नहीं रही। देखो, ये इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। ये देखो कितना गलत किया जा रहा है स्कूलों के पास। हम जो है लगातार हमारे कह रहे हैं कि 75 कॉरपोरेटर ये बार बार जाते हैं जो भी यहाँ पे, कि जो बच्चे नशा की तरफ जा रहे हैं तो उनको उनसे हटा के किसी और साइड लगाया जाए। लेकिन ये देखो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे एक्साइज वाले क्या कर रहे हैं कि उस स्कूलों के पास, ताकि बच्चों का ध्यान जो है वो स्कूलों से निकले और वो शराब की बोतलें पकड़े, तो कितना गलत किया जा रहा है। बच्चों का स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि कोविड है, पर शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और रश वहां पर है। हाँ, कोविड नहीं है। नहीं, वो स्कूल तो चलो मतलब अभी है कि कोरोना इतना फैला हुआ है और बच्चों के आने वाली थर्ड वेव बच्चों के लिए बताई जा रही है, वो स्कूल नहीं खोलना इसलिए अभी तक ठीक है। लेकिन ये शराब की दुकान खोलना, जो पीती है ठीक है, शराब की दुकानें पहले भी थी, लेकिन अब जो वार्डों के अंदर और रेजिडेंशियल एरिया में खोलना कितना गलत है। कि मतलब बच्चे बच्चे तक आप क्या मैसेज पहुंचा रहे हो? यहाँ पे अम्फला में जो वहाँ पे अनाथालय उसके पास खोली जा रही है, पकड़ंगा में स्कूलों, वहाँ पे 3 स्कूल पढ़ते हैं, वहाँ पे स्कूलों के पास आप ये खोल रहे हो, तो बताओ बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बच्चे निकलेंगे बाहर तो क्या देखते हैं कि शराब की दुकानें? हम कैसे बच्चों को मतलब दूसरी तरफ करेंगे जब हम ही बड़े लोग ही ये बच्चों को, बच्चों के आगे क्या चीज़ रख रहे हैं आने वाले टाइम के लिए? और मंदिरों हमारा शहर कहलाया जाता है हमारा, और हमारे एक लीडर हैं तो वो कहते हैं कि कॉरपोरेटर पैसे खा के और उनके साथ मिलके कैसी बातें, मतलब क्या क्या मैं कहती हूँ उनको? मैं तो कहती हूँ 75 कॉरपोरेटर हमारे मेयर साहब को चाहिए कि उनके ऊपर तो मानहानि का दावा करना चाहिए। जब से ये हुआ है तो तब से सारे यहाँ पे भी जिस भी वार्ड में ऐसी दुकानें खोल रही हैं साथ में होके मेरे सारे जो कॉरपोरेटर भाई बहन हैं, मैं कहती हूँ कोई सी पार्टी के नहीं, मैं कहती हूँ हर एक लगा हुआ साथ में प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो उनका ये कहना कि अच्छा नहीं लगता है। मैं कहती हूँ मैंने हमारे हम लोग लेडीज इस बार कॉरपोरेटर 25 से 30 होंगी, तो क्या हमारे बच्चे नहीं है? हम ये पैसे खा के तो हम लोग कॉरपोरेटर तो ये चीज़ें देंगे? तो मैं कहती हूँ मेरे हमारे मेयर साहब को उनको मान हानि का दावा करना चाहिए। हम लोग लगातार लगे हुए हैं, हम जाते हैं कि बच्चों को किसी दूसरी साइड गेम्स वाली साइड लगाया जाए, कहीं और लगाया जाए, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। और हमारे उनका जो भी वो ये बयान दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, और मैं कहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। जो रेजिडेंशियल ये हमारे लोग जो हैं जम्मू के लोग, जैसे बम्बा बोले के टाइम हुआ था ऐसा बात ना हो जाए, तो इसके जो भी शराब की दुकानें ये रेजिडेंशियल में है ये जल्दी से जल्दी हटवानी चाहिए। मैम, जिस तरीके से इनका कहना है कि रेजिडेंशियल जो एरियाज है वहाँ पर शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, एक तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जहाँ पर महिलाएं रह रही हैं, बेटियाँ हैं, जहाँ पर उनकी सुरक्षा की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा का जिम्मा जो है वो भी सोसाइटी पर आता है, और अगर ऐसी दुकानें खुलती हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी जो है सवाल उठते हैं, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जिस तरह हमारे हाउस में ये कहा गया था कि हम जो मीट शॉप्स हैं वो हम आउट ऑफ सिटी करें, तो वाइन शॉप्स क्यों नहीं हो सकती आउट ऑफ सिटी? वो क्यों रेजिडेंशियल एरियाज में स्कूलों के पास, मंदिरों के पास? एक्साइज डिपार्टमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कर रहा है। ये एक्साइज डिपार्टमेंट को पहले सोचना चाहिए था, हमारे बड़े नेताओं से बात करनी चाहिए थी, हमारे LG साहब को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था कि ये शॉप्स हमारे जो हमारे शॉप्स हैं ये वाली ये आउट ऑफ सिटी ही होनी चाहिए थी, ये रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं होनी चाहिए थी, जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। आगे कुछ फैमिलियाँ यहाँ बर्बाद हो चुकी हैं शराब के कारण, लेकिन हमारे यहाँ पे बड़े नेताओं ने इसका संज्ञान नहीं लिया और ये शॉप्स को लाइसेंस जारी किए, और ये बाहर के लोगों को यहाँ के जो गन मचाएंगे, ये हम चाहते हैं कि ये हमारे LG साहब इसमें इन्वॉल्व हो
और इनके द्वारा जो लाइसेंस रद्द किए जाएँ, ये नए सिरे से सब कुछ हो और ये जो रेजिडेंशियल एरिया स्कूल्स और मंदिरों से दूर रखी जाएँ। जिस तरीके से आप सब महिला कॉरपोरेटर्स हैं, आप लोग जो हैं इसका पुरजोर जो तरीके से जो है इसका विरोध कर रही हैं, अगर ये प्रदर्शनों की बारी आ गई या ये इसी तरीके से इम्प्लीमेंट होता रहा तो क्या नेक्स्ट आप महिला कॉरपोरेटर्स करने वाली हैं? हम तो ये शॉप्स खोलने नहीं देंगे, शराब वाली शॉप्स खोलने नहीं देंगे, क्योंकि साथ में स्कूल पढ़ते हैं, मंदिर पढ़ते हैं, मोहल्ले में ये शॉप तो खोलने नहीं देंगे। अगर बाहर कहीं दुकानें ले लें, रोड पे खोल दें, बाज़ार में खोल दें, वो हमें मंजूर है, मोहल्ले में हम खोलने नहीं देंगे। पर हमने कहीं ऐसे बाज़ार भी देखे जो वहाँ पर एक पूरा मोहल्ला भी है, साथ ही जो है स्कूल्स भी नज़र आ रहे हैं, साथ ही किताबों की दुकानें भी हैं, वहाँ पर इस तरीके की दुकानें खुल रही हैं, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा शर्मनाक चीज़ है कि अब जम्मू में जो है हर गली हर कूचे में जो है शराब की दुकानें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। हम तो खोलने नहीं देंगे, लोग खोलने देंगे उनका कोई पता नहीं, मगर हम अपनी वार्ड में नहीं खोलने देंगे, और जहाँ स्कूल हैं, जहाँ मंदिर हैं, वहाँ तो बिल्कुल नहीं खोलने देंगे। तो साफ तौर पर ये महिलाएं जो यानी कि जो महिला कॉरपोरेटर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस तरीके से ये दुकानें नहीं खुलने देंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो अब एक आम इंसान जो है उसके सेंटिमेंट्स जो हैं वो आहत होते हुए नज़र आ रहे हैं। अमित जी हैं, अमित जी जिस तरीके से बात करें तो बीजेपी के एक लीडर जो है ये कहते हुए भी नज़र आए कि अब लोगों को जो है इस पर जो है कुछ कार्रवाई करनी होगी, लोग ही लेटर्स लिखकर भेजें तो शायद जो है ऐसी दुकानें ना खुले। क्या फ़ायदा जब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी चलती है, जब एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है फिर भी उनकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं? नमस्कार। देखिए, जब वोट लेने जाते हैं लीडर, जब हर जगह पे जब इलेक्शन होते हैं जम्मू प्रोविज़न में या कश्मीर में, पूरे इंडिया में, जब ये लीडर हाथ जोड़ के लोगों से वोट मांग रहे हैं, हमें वोट दो, हमें जताएं और आपके काम कराएंगे, आज वो जम्मू के लीडर कहाँ गए? वो जम्मू के हित की बात करते हैं, डोगरों की बात करते हैं, वो लीडर कहाँ गए? आज वो ग्राउंड में क्यों नहीं दिख रहे? आज वही 75 कॉरपोरेटर गली गली लोगों का काम कर रहे हैं। जो आज एक्साइज पॉलिसी, आपको ये क्लियर कर दे, जब से एक्साइज की पॉलिसी आई थी, हमारे जो इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर थे उन्होंने हमेशा प्रोटेस्ट किया है, इसके खिलाफ रहे हैं, इसलिए रहे हैं कि आज जो शराबों की दुकानें हैं ये गली गली के अंदर खुल रही हैं। वो क्यों? एक्साइज वाले डिपार्टमेंट कहाँ सोए थे? हमारे DC साहब कहाँ सोए थे? DCOM साहब कहाँ थे? उपराज्यपाल जी कहाँ थे कि जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं कॉरपोरेटर, उनसे आप मशवरा करते, उनसे NOC लेते कि आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में हमने शराब की दुकान खोली है जी? मगर आज उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ऐसे हमारे जम्मू के कोई लीडर हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि इसमें कॉरपोरेटर ने पैसे लिए हैं? मैं उन लीडरों से कहता हूं कि आप प्रूफ करके बताएं किस कॉरपोरेटर ने पैसे लिए हैं, किस कॉरपोरेटर ने साइन करके पैसे उनसे कमीशन मांगी है। जब से एक्साइज कॉर्पोरेटर्स जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए इस पूरी, बिल्कुल मैम, देखिए हमारे जो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर हैं, हमारी बहनें हमारे साथ हैं, हमारे और कॉर्पोरेटर अंदर बैठे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी इसलिए है कि आज जनता घरों से बाहर निकली है। ऐसा क्यों हुआ? जो जम्मू के लीडर वो कहते हैं जम्मू के हम लीडर हैं, डोगरों के लीडर हम हैं, हम ही हमायत हैं, आज वो लीडर कहाँ गए? आज हिंदू के संगठन, जो हिंदू संगठन की बातें करते हैं, हिंदू धर्म की बातें करते हैं, आज वो लोग कहाँ गए? आज कॉरपोरेटर रोडों में आ रहे हैं, हम एक्साइज ऑफिस जाएंगे, DC ऑफिस जाएंगे, उनको लिखेंगे जहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी NOC मत देना। अब क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट क्यों बनती है? अगर UT गवर्नमेंट बनी है तो किस लिए बनी है? जनता के हित के लिए बनी है। आपने सारा रेवेन्यू जम्मू से ही जनरेट करना है। आज जो हमने सुनने में बात आ रहा है कि एक्साइज को इतना पैसा मिल गया, हमने पैसा कलेक्शन सिर्फ जम्मू से करना, कश्मीर से कोई कलेक्शन नहीं करना। बिजली डिपार्टमेंट का जो बिल आते हैं, जो रेवेन्यू आता है, जम्मू से ज़्यादा जम्मू प्रोविज़न वाले लोग देते हैं। पानी का किराया भी जम्मू प्रोविज़न वाले लोग देते हैं। टैक्स भी सबसे ज़्यादा हमारे जम्मू के शहरी लोग दे रहे हैं, जम्मू प्रोविज़न के लोग दे रहे हैं। सारा पैसा जम्मू से इकट्ठा करना है। आज जम्मू में कितनी दुकानें, 200 कुछ दुकानें खुल गई हैं और कश्मीर में सिर्फ 4 दुकानें। ऐसा क्यों? फिर इसमें भी हमारे जम्मू के साथ ही भेदभाव, जम्मू पे ही प्रेशर, जम्मू की जनता पे प्रेशर। कहानी क्या था कि UT बनने के बाद सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे और दोनों को बराबर बराबर मिलेगा, लगता नहीं कि अब बराबरी? इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। हार्डली हमारे पार्टी के, BJP पार्टी के प्रेसिडेंट देवेंद्र राणा जी ने एक बयान दिया था, जो आप जो मेडिकल कॉलेज की जो उसमें जॉब निकली थी, उन्होंने कहा था उसमें UT गवर्नमेंट ने लिखा था जम्मू प्रोविज़न का कोई भी बंदा ले सकता है और कश्मीर का बंदा कश्मीर का ही बच्चा ले सकता है, और हमारी जो इसमें जॉब निकली थी इसमें कोई भी आ सकता है। आज वो जूनियर नर्सिंग का कल की लिस्ट आउट हुई है, इसमें जम्मू के बच्चे कम लगे हैं, रजौरी पूंछ के ज़्यादा लगे हैं। बताइए इसमें क्या है? जब एक बारी जब उन्होंने रविंदर राणा जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं
उनके शब्दों का एक मोल होता है जब इतनी बात उन्होंने कही, मगर आज जो कल की लिस्ट निकली है इसमें जम्मू के बच्चे कम निकले हैं। सिर्फ नर्सिंग जूनियर नर्सिंग स्टाफ के लिए जो कल लिस्ट निकाली थी उसमें हमारे जम्मू के बच्चे कम हैं, बाकी अनदर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ज़्यादा हैं, वो भी हमारे लोग हैं, हमारे बाहर नहीं। मगर जो उनके जो बयान निकलते हैं लीडरों के, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहा जाता है, ये ऐसा क्यों? जम्मू के लीडर आज क्या हो गया उनको? आज कहाँ है बीजेपी, कहाँ कांग्रेस के लीडर, कहाँ वो हिंदू धर्म के लीडर जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो कहते हैं हम हिंदू संगठन के हैं? आज वो उनको आम जनता के साथ आना चाहिए था, लोगों के साथ आना चाहिए था कि जम्मू की जनता इतनी परेशान है। वो आज कॉर्पोरेटर की देखी लेडीज अपना घर परिवार छोड़ के, हम इलेक्टेड लोग हैं, हम अपना आम जनता के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, डीसी के पास भी आ जाएंगे कि उनको रिटर्न में देंगे। जहां भी आपको प्रोटेस्ट दिख रहा है वहां पे दुकानें क्यों खोले हैं? जब सरकारें बनती हैं ये जम्मू लोगों के हित के लिए बनती हैं, जब लोग इस पर एग्री नहीं तो ऐसी पॉलिसी बनाई क्यों? उससे क्या जम्मू के लोग यूथ का नुकसान हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है, यही कहना चाहता हूँ। ये बहुत गलत किया है पॉलिसी, आज जम्मू को नुकसान होगा कि जो भी ठेकेदार हैं वो बाहर के हैं, उससे गलत मैसेज जा रहा है कि हमारे स्टूडेंट जो जिनको नौकरी चाहिए थी आज वो नशे की लत में। आगे हमारा जम्मू उड़ता पंजाब बना था, आपको पता ही है, जो जिसको चिट्टा कहा जाता है जम्मू में कितना ज़्यादा हो गया था। आज ये गली गली मोहल्ले में शराब की दुकान खोल देंगे तो जम्मू की हालत क्या हो जाएगी, हमारा यूथ कहाँ जाएगा? तो यही कहना चाहता हूँ, ये ऐसी पॉलिसी को ख़त्म करना चाहिए, जनता के हित की कोई भी पॉलिसी बने जम्मू और जनता के हित की पॉलिसी बननी चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। तो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स जो हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये इस पॉलिसी के खिलाफ हैं, और जिस तरीके से रेजिडेंशियल एरियाज में जो कि लिकर शॉप्स खुलती हुई नजर आ रही हैं वो इसका पुरजोर जो है विरोध करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो क्या हमारे जो यूथ है उसका भविष्य कहाँ जा रहा है? यूथ जो है जिसे इस समय पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्या अब उसका ध्यान भी जो है इन सभी नशों की तरफ जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज सुबह की जो तस्वीरें थी वो सच में कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी। एक लंबी कतारें जो है वहाँ पर देखने को मिली, रश देखने को मिला, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो रही है उसकी धज्जियाँ भी उड़ती हुई नजर आई। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा, बने रहें डीआरटी न्यूज़ के साथ।